तो आपकी इंटर्नशिप अभी तक नहीं लगी है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप अभी तक इंटर्नशिप के लिए सर्चिंग कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि इन गर्मी की छुट्टियों में करना क्या है। इस प्रॉब्लम का सलूशन हम देंगे इस वीडियो के अंदर। हाई एवरीवन, आई एम कुशल अध्याय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा था, भैया इंटर्नशिप अफेक्ट तो नहीं करती प्लेसमेंट सीजन में, या फिर इंटर्नशिप नहीं लगी तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा क्या? बहुत सारी चीज़ें होती है, और भैया डिमोटिवेशन हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को PPO मिल जा रहा है और हमारे को तो इंटर्नशिप ही नहीं मिल रही है। तो उसके ऊपर ये प्यारा सा वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे तीन ऐसे तरीके, अगर आप अभी सर्चिंग कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से, तो कौन से तीन ऐसे वेज आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने छोड़ दिए होप इंटर्नशिप की और सोच रहे हो करना क्या है गर्मी की छुट्टियों में, तो उसके लिए 5 मैं सुझाव दूंगा आपको, ठीक है? तो ये भेदभाव क्यों है तो मैं भी नहीं जानता, बट ऐसा ही है। और चलो शुरू करते हैं हमारे पहले उन तरीकों से, उन चीज़ों को जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इंटर्नशिप अभी तक नहीं लगी है और आप सर्चिंग कर रहे हैं इंटर्नशिप की। तो पहला है हमारा यार स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप की। यार क्योंकि देखो, आप, मैं 100% श्योर हूँ, आप सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते होंगे। यू नो, यू लुक फॉर फैंग कंपनीज, या फिर जो ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा अच्छा स्टाइपेंड देती हैं, या फिर इंजीनियरिंग चैलेंजेस जिनके होते रहते हैं। तो यार आप थक गए होंगे सारे ऑनलाइन चैलेंजेस दे देकर, फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो अब हमारा टाइम आता है स्टार्टअप्स में अप्लाई करने का। अब स्टार्टअप्स में कहाँ पे अप्लाई करें? एक मात्र प्लेटफॉर्म है, डैट इज़ angellist.co। वहाँ पे जाना है आपको, आपके पास स्किल होनी चाहिए ऑब्वियसली। देखो, अगर आपके पास डेवलपमेंट स्किल्स हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता इंटर्नशिप दिलाने से उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। आपको सिर्फ जाना है और वहाँ पे जितनी भी रिलेवेंट ओपनिंग्स है फिल्टर लगाना है, जितनी भी रिलेवेंट ओपनिंग्स है सब में अप्लाई कर देना है। डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। मेक श्योर आपका रेज्यूमे सही हो और आपके पास प्रोजेक्ट्स रेडी हो गिटहब के ऊपर, ताकि आप उन्हें शोकेस कर सकें, तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो फिर फिर यहाँ से भी धोखा ही मिलेगा। सेकंड हमारा ऑप्शन है, जस्ट आपको इंटर्नशिप ही चाहिए अगर अपने रिज्यूमे में डालने के लिए। मैं इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता, डैट इज़ अनपेड इंटर्नशिप। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं या फिर लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और वो अनपेड इंटर्नशिप के लिए हायर करते हैं स्टूडेंट्स को। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लिंक्डइन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी छोटी छोटी कंपनीज चला रहे हैं और वो पोस्ट करते रहते हैं, या तो पोस्ट करेंगे या फिर उनको आप डायरेक्टली रीच आउट कर लो, उनका छोटा सा स्टार्टअप है, रीच देम आउट कि मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, आई जस्ट वॉन्ट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, मेरे को एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए फॉर द 2 मंथ्स, एक्सपीरियंस चाहिए, लर्निंग चाहिए। आपको सोल पर्पस लर्निंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर, अगर आप अनपेड इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं तो ये दूसरा वे हो गया। तीसरा हमारा जो वे है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, वो है फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग डोमेन में पहले से हो, या फिर इसमें पहले से काम कर चुके हो, घुसे हुए हो इसके अंदर, या स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा सा फीजिबल नहीं होगा। बट अगर आप इसमें पहले से हो, तो आप ऐसे लोग ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देख सकते हो जो कि एक कंपनी के द्वारा डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आई डिड वाज, क्या होता है ना, एक तो होता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, एक होता है कि आपको एज अ डेवलपर वो हायर कर रहे हैं, या फिर फॉर अ पर्टिकुलर रोल, पाइथन डेवलपर हो गया, जैंगो डेवलपर हो गया, तो वो एक्चुअली कंपनी की पोस्टिंग होती है। जब भी अगर आप फ्रीलांसिंग डोमेन से अवेयर हो, तो आपको पता होगा मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो डेवलपर रोल के जो हायरिंग हो रही है ना, उनको प्रपोजल भेजो फॉर एन इंटर्नशिप, 2 महीना 3 महीने जिस भी टाइम के लिए आप फ्री हो। एंड इफ़ योर प्रोजेक्ट्स आर गुड, अगर आप फ्रीलांसिंग डोमेन पहले से हो, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी उसमें रिव्यूज़ होंगे, उसकी वजह से आपको मिल भी सकता है ऑफर, जैसे कि मुझे मिला था एज अ पाइथन डेवलपर, एज अ जैंगो डेवलपर, और मैंने 10 महीने की इंटर्नशिप एक स्टार्टअप में करी थी। तो ये तीसरा तरीका हो गया अगर आप अभी भी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, थक गए हो बहुत सारों में अप्लाई करके। अब चलते हैं उन 5 तरीकों पर जो कि आप फॉलो कर सकते हो इन गर्मी की छुट्टियों में, टू लर्न, टू गेन न्यू स्किल्स, और ताकि आपको प्लेसमेंट में हेल्प हो जाए। अब जो भी मैं बताने वाला हूँ सीधे अगर करोगे, तो प्लेसमेंट में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है? पहला जो तरीका है हमारा, वो है रिसर्च बेस्ड वर्क। अब ये क्या है, आप अपनी कॉलेज फैकल्टी को तो जानते हो यार, उनके पास जाओ, उनसे बोलो समर के अंदर मैं एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, और उनसे कोई पर्टिकुलर रिसर्च का टॉपिक ले लो, या फिर खुद सजेस्ट कर दो, और उनके अंडर वो रिसर्च वर्क करो, और वो एज अ मेंटर तुम्हारे एक्ट करेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा हो तो आप उसे पब्लिश तक करा सकते हो अंडर योर मेंटर्स नेम। फैकल्टीज से अगर आप बात करोगे ना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कैसे आप अपने पेपर्स पब्लिश करा सकते हो और कैसे रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। और ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन योर रिज्यूमे एंड इन योर अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर योर फैकल्टीज और कॉलेज प्रोफेसर, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका क्या फ़ायदा है?
आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको यू नो कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है आपके करने के लिए, DSA तो देखो सब करेंगे, पर ओपन सोर्स में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स जस्ट डैट आपको सिर्फ जो वर्जन कंट्रोल है या गिट है वो चलाना आना चाहिए, गिटहब यूज़ करना आना चाहिए, ओपन सोर्स रिपोजिटरीज को गो थ्रू करना आना चाहिए, कैसे सेटअप करते हैं उन्हें, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड ऐड इट टू योर रिज्यूमे। आप अगर 4000 स्टार के किसी पर, 4000, 1000, 2000 जितने भी स्टार और फोक्स के किसी रिपोजिटरी में अगर यू नो पुल रिक्वेस्ट भेज डालते हैं या फिर और वो एक्सेप्ट हो जाती है, सोच के देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपके रिज्यूमे में, और आपको इंटरव्यू के दौरान वो हेल्प करेगा कि यस मैंने मेरी समर के दौरान ये काम किया था, एंड दिस इज सो इम्पैक्टफुल बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में आपने PR डाली, चाहे वो कोई भी PR हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक बड़े लेवल पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होगा जो कि आप बोल सकते हो। नो कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज। अब यार देखो, अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि फ्री का कोई कोर्स अगर आपको YouTube पे मिल रहा है, उसमें ट्यूटोरियल के साथ प्रोजेक्ट बनाना दिखा रहे हैं, तो अब कुछ बच्चे तो होते हैं जो कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो करते हैं, जैसे कोड विथ हैरी हो गया, फ्री कोड कैंप हो गया, उनके ट्यूटोरियल फॉलो करके पूरा मस्त प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे एक कमी होती है, वहाँ सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, आपको कोई वैलिडेशन नहीं मिलता। इसीलिए जो पेड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यू नो कोई दिक्कत नहीं होती है पेड कोर्सेज लेने में, तो आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पेड कोर्स ले सकते हो जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और यू नो रिज्यूमे में डाल भी सकते हो उन प्रोजेक्ट को भी और सर्टिफिकेट को भी। अब यार पेड कोर्सेज होंगे तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो आप सभी के लिए ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कोर्स लेते हो आप, तो उसको आपको 15-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लिंक यूज़ कर लेना। अगर वो नहीं तो कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, दैट्स नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, इट्स जस्ट दैट कोडिंग निंजास के जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्स वर्क, ये आप कर सकते हो। आप कोर्सेरा पे भी ले सकते हो, फ्री फाइनेंशियल एड लगा कर आपको फ्री में मिल जाएगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, सर्टिफिकेट शायद मिल जाता है फाइनेंशियल एड में भी, तो आप चेकआउट कर लेना। मेरे को आइडिया नहीं है अच्छे से कि फाइनेंशियल एड वाले में सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है। फोर्थ इज पार्टिसिपेट इन मंथ लॉन्ग हैकाथॉन्स। अब यार ये क्या बोल रहे हो भैया? भैया देखो ऐसा है, हैकाथॉन तो होती रहती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मंथ लॉन्ग हैकाथॉन्स होती है जिसके अंदर आप कर क्या सकते हो। अब इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन में सर्टिफिकेट मिलता है, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, आपका रिज्यूमे में छप जाएगा, उसके अलावा आप यू नो सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको हैकाथॉन के अंदर। तो एटलीस्ट आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा कि मैंने कुछ एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, और अगर आप जीत गए तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी यार, आपको आपको रिज्यूमे में दिखाने को मिल जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खुल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसी हैकाथॉन में लो या तो उससे हायरिंग हो रही हो या फिर कोई इनोवेशन के रिलेटेड काम हो रहा हो, जैसे Web3 की होती रहती है, ब्लॉकचेन की होती रहती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर समर ब्रेक इज बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन। ऐसा डेफिनेटली कोई आइडिया होगा जो आप हमेशा सोचते हो कि बनाऊंगा, लेकिन टाइम या बनाऊंगा या बनाऊंगी, लेकिन आप टाइम की वजह से उसे नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो वो आप उठा सकते हो, वो चीज़ बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ले सकते हो, और अगर आप उस चीज़ को कहीं पे अपलोड करते हो पब्लिकली और वो अच्छा चल गया, तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्टफुल होगा आपके रिज्यूमे के लिए। तो दीज आर द 5 थिंग्स फॉर इफ यू हैव क्विट सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर समर ब्रेक, सो दीज थिंग्स यू कैन फॉलो। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि मैं जान सकूँ यार कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए आगे, या फिर कोई डाउट रह गया हो मेरी बातों से, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया हो, तो मुझे बताओ, मेरे को फीडबैक मिलेगा और आपका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही। आप रीच आउट कर सकते हो मुझे कहीं भी, किसी भी सोशल हैंडल पे। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।